हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के एस शॉपिंग। दोस्तों, अगर आप अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं या ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर रहे हैं या आप रील्स बनाते हैं, तो उसके लिए आपको एक गोरिल्ला ट्राइपॉड की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिजीटेक का DV ट्राइपॉड DTR 260 GT। ये एक शानदार ट्राइपॉड है जो सिर्फ 399 रुपये में आपको अमेजोन पर मिल जाएगा। सेल के दौरान इससे कम में भी मिल जाएगा। तो देखिए, अब हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। कुछ इस तरह का बॉक्स है हमारे ट्राईफोर्ड का, जिस पर ऊपर गोरिल्ला ट्राईफोर्ड का पूरा पिक्चर दिया गया है, साथ ही दिया गया है इसके साथ आएगा ब्लूटूथ रिमोट और मोबाइल फोन होल्डर, जो कि इसकी एक सबसे अच्छी खासियत है, जो ब्लूटूथ रिमोट है। अगर आप इसको ही मार्केट में लेंगे तो लगभग 150 रुपये के समथिंग यह आपको मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही आपको यह मिल जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। देखते हैं इसके फीचर्स। इसमें हेड एडजस्टेबल पैन है, स्टडी प्लास्टिक लेग्स हैं, मोबाइल फ़ोन होल्डर इसके साथ ही आता है, ब्लूटूथ रिमोट से आप फोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ हेड विद क्विक रिलीज के साथ आता है, मैक्सिमम वेट ये 1 kg तक कैरी कर सकता है। तो इसमें ये बताता है कि हम इसमें DSLR भी माउंट कर सकते हैं, बट DSLR का वेट ज़्यादा होता है, तो ये मोबाइल के लिए मेरे हिसाब से अच्छा है। मैक्सिमम हाइट इसकी 240 mm बताई गई है और फोल्डेड हाइट 260 mm है। इसका वेट है 149 ग्राम्स, 10 सेक्शन में है और इसकी मटेरियल स्टडी प्लास्टिक ABS मटेरियल का ये बना है और ऊपर से इसमें रबड़ की ग्रफिंग है। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पर ऐसे सब व्यूअर्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लगभग 85% से ज़्यादा व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। अगर आपने यह प्रोडक्ट परचेस किया है तो इसके एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। चलिए अब इसको करते हैं हम अनबॉक्स। सिंपल सा बॉक्स है, इसको हम ओपन कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमको मिलता है एक मोबाइल होल्डर, ये हमारा गोरिल्ला ट्राइपॉड जो कि काफ़ी अच्छी ग्रिप के साथ आया है, रबर की ग्रिप है इसमें। साथ ही में इसमें आता है एक रिमोट कंट्रोल जो कि इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। रिमोट में दिया गया है कैमरा और iOS का बटन और एंड्रॉयड का बटन। इसको अभी हम आगे इसका डेमो दिखाएंगे कैसे इसको मोबाइल से कनेक्ट करना है। इसको अभी हम रख देते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन होल्डर को देखते हैं इसकी कितनी अच्छी क्वालिटी है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मोबाइल फ़ोन होल्डर है, आप देख सकते हैं। इसमें दो होल्डिंग पॉइंट दिए गए हैं, तो आपको अगर पोर्ट्रेट में करना है या इसको लैंडस्केप मोड में करना है उसके अनुसार अभी हम बताएंगे इसका डेमो। और ऊपर दिया गया है एक होल्डर जिससे आप एक्सटर्नल माइक वगैरह इसमें फिट कर सकते हैं, जो कि ब्लॉगिंग वगैरह में आपको काम आएगी। पीछे इसमें पैड्स दिए गए हैं जिससे आपके मोबाइल को नुकसान ना हो। चलिए अब हम देखते हैं अपना प्रोडक्ट। इसमें ग्रिप दी गई है रबर की, अब हम देखते हैं इसको। इस तरीके से आप इसको कैसे भी सेट कर सकते हैं, ये इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से इसको फोल्ड भी कर सकते हैं आप, जिससे आप कहीं भी इसको माउंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। अभी मैं अपने हाथ में इसको माउंट करके दिखाता हूँ, देखिए किस तरीके से ये हो गया है। अभी इसमें हम फ़ोन होल्डर लगा के कहीं भी वीडियो बना सकते हैं।
इसमें एक 360 डिग्री इसको हम रोटेट कर सकते हैं, इसके लिए ये फंक्शनल है। इसी में साथ में ये क्विक रिलीज बटन दी गई है जिससे हम इसको निकाल सकते हैं। ये साइड में हो गया है, चलिए अब हम इसको रखते हैं और इस मोबाइल होल्डर में इसको फिट करते हैं। इस तरीके से आप इसको इजीली मोबाइल होल्डर को इसमें लगा सकते हैं और इसको बटन को क्लिक करके फिर से हम इसको इसमें लगा देते हैं। ये देखिए हमारा ये रेडी हो गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा आपको मोबाइल इसमें किस तरीके से माउंट करना है। तो ऐसे आप लेंगे, ये मोबाइल हमारा माउंट हो गया, ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, कैसे भी रोटेट कर सकते हैं, ग्रिप भी अच्छी है इसकी। अब देखते हैं हम इसको किस तरीके से मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं रिमोट को। सबसे पहले आपको साइड में दी गई पुश बटन को ऑन कर देना है। इसके सेल के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बैटरी दी गई है, 3 वोल्ट की बैटरी है, लिथियम बैटरी है, जिसकी सर्विस लगभग 5 से 6 महीने हैं। हम इसको ऑन कर देते हैं, ये ब्लिंक करने लगेगी एलईडी। अपने मोबाइल में जाके हम ब्लूटूथ को ऑन कर देंगे। ब्लूटूथ को ऑन करते ही ए बी शटर नाम से आप देख सकते हैं, ए बी शटर नाम से इसका रिमोट का नाम है। जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे ये कनेक्ट हो जाएगा। इससे करने के बाद हमको कैमरे को ऑन करना है। अब हम देखते हैं ये क्लिक करता कि नहीं फ़ोटो। आप देखेंगे मेरे मोबाइल का फ्लैश जल रहा है, इसने फ़ोटो को क्लिक किया। एंड्रॉयड बटन से भी ये क्लिक करता है और कैमरा 360 बटन से भी ये क्लिक करता है। आप देखिए इस तरीके से आप इसको फर्श पर रख सकते हैं। मैं ये मेरे पास है रिमोट, अब मैं करता हूँ फ़ोटो को क्लिक। देखिए यहाँ से जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा हमारी फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो को क्लिक करना तो आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं। अभी मैं रिमोट से करता हूँ क्लिक। देखिए हमारी फ़ोटो क्लिक हो गई है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है रिमोट का। इसका सिर्फ एक कोन मुझको लगा कि ये वाइट कलर होने के कारण बहुत जल्दी गंदा दिखने लगता है, बाकी 399 रुपये में ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये थी जानकारी डिजिटेक के गोरिल्ला ट्राइपॉड के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपको यह प्रोडक्ट परचेस करना है तो लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसको ले सकते हैं। और अगर आपने इसको परचेस किया है तो इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।